साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। इम्पोर्टेंट नोटिस आपको देना जरूरी था। आपको पता है कोरोना वायरस सबसे बड़ा वायरस भी चल रहा है, एक तरह से वायरस है, ये सब जगह घूम चुका है। ये अभी पढ़ने वाला है आप लोगों के ऊपर। जी हाँ साथियों, जो लोग घूमने जाना चाह रहे हैं, जो लोग कमाई के लिए जा रहे हैं, या फिर खास तौर से उन लोगों के लिए नुकसानदायक होगा जो वर्क परमिट वीज़ा पे इंडिया में छुट्टी आए थे लेकिन वो अभी वापस नहीं जा सकते। लेटेस्ट न्यूज़ में बता दूँ, हमारे राजस्थान में भी 50 लोग संदिग्ध हो गए हैं इसी कोरोना वायरस में, जिनकी जाँच की गई है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। कितनी बड़ी माइनस पॉइंट है, यानी ये सिस्टम, ये वायरस है ना, फैलता जा रहा है। कितनी कंट्री में लाखों से लाख, एक लगभग मेरे हिसाब से आंकड़े के हिसाब से लाख लोग पूरे वर्ल्ड में इसके चपेट में आ चुके हैं, और अकेले चाइना में 5,000 लोग मर चुके हैं अब तक। तो यानी ये बढ़ता जा रहा, कम होने का अभी तक नाम नहीं ले रहा है। बता दूं कि इंडिया ने भी ऑन अराइवल वीज़ा वगैरह जो भी था, बाहर से लोग टूरिस्ट आ रहे थे, सबको बैन कर दिया। क्योंकि पिछले 10-15 दिन में इटली के जो टूरिस्ट आए थे हमारे इंडिया में, हमारे राजस्थान में आए थे, मेरे पास, मेरे से मात्र 20 किलोमीटर एक सिटी है, हेरिटेज सिटी, वहाँ पे अंग्रेज लोग आते हैं विदेशों के, उनकी वजह से वायरस हमारे राजस्थान में आया था। क्योंकि इटली के थे वो, 10 दिन घूमे, उनकी वजह से वायरस यहाँ पे आ गया। तो राजस्थान में क्या इंडिया में भी बैन कर दिया गया है? बता दूँ, कुवैत ने वीज़ा बंद कर दिए, फ्लाइट्स अनिश्चितकाल के लिए स्टॉप कर दी है, कतर ने स्टॉप कर दी है, सऊदी ने स्टॉप कर दिए हैं, और यूरोपीय कंट्री हैं जैसे चाइना, तो उसमें है ये इटली, जापान या लंदन वगैरह, और भी बहुत सारी दक्षिणी कोरिया, ऐसी काफ़ी सारी कंट्री हैं जिन्होंने फ्लाइट्स, ऑन अराइवल वीज़ा सब बंद कर दिए हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अगर आप परमिट वीज़ा से रिलेटेड एजेंटों के संपर्क में आते हैं तो भाई एजेंटों के लिए तो क्या बताएं आप। तो इसमें कुछ चीज़ें बता दूँ, कतर, सऊदी, कुवैत, इन्होंने वीज़ा और फ्लाइट्स कैंसिल कर दिया है। तो अगर आपके पास वर्क परमिट वीज़ा है और आपका टाइम कम बचा है तो आपके लिए नुकसान है, आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा भाई, तो आपके लिए सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। और सिर्फ एक दुबई ऐसी कंट्री अभी तक बच रही है कि दुबई में अभी तक पाबंदी नहीं लगी है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। आज सुबह, यानी आज की तारीख है 12 मार्च, 12 मार्च को जयपुर, दुबई से एक बंदा राजस्थान का था, वो आया आज सुबह। तो एयरपोर्ट पे चेकिंग, आपको पता है उनकी सबकी जांच होती है, एक लेज़र मशीन होती है माथे पे लगा के, तो उसमें वो पॉजिटिव पाया गया है। यानी दुबई से आने वाला बंदा पॉजिटिव पाया गया है, इसका मतलब दुबई में भी कोरोना वायरस पहुँच चुका है। तो भाई जो जहाँ है वहीं रहे फिलहाल, आपको अगर जाते हो तो, अगर आप जाना चाहते हैं दुबई से रिलेटेड आपका वीज़ा है तो जल्दी अप्लाई कर लो, जल्दी पहुँच जाओ, फिर अगर रोक लग गई तो पता नहीं कितने दिन रोक रहने वाली है। ठीक है साथियों, अब ये बात तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि अगर उसमें, इसमें फ़ायदा किसको होगा। इम्पोर्टेंट नोटिस ये था मेरे लिए, मेरे, मुझे आपको देने के लिए, इसमें फ़ायदा किसको होगा। उसमें साथियों फ़ायदा उनको होगा जो काम करते हैं एजेंटी का, या फिर ऑफिस खोल के बैठे हैं, जो इलीगल के अलावा जो जो ऐसे एड्स वगैरह देके लोगों को बुलाने का काम करते हैं ना, जिन्होंने पैसे ले रखे हैं कि आपका वीज़ा यूरोप का लगा देंगे, सिंगिन का लगा देंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बड़े बड़े लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा रखे हैं और उनके नाम से पैसे ले रखे हैं, उनके प्लस पॉइंट हो जाएगा। कैसे होगा मैं बता दूँ, जैसे मान लीजिए मेरे से किसी ने 50,000 ले रखे हैं कि मैं कनाडा, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा दूंगा, पैसे दे दो। अब उनके पास सीधा सीधा बहाना है, भाई कोरोना वायरस चल रहा है, वीज़ा नहीं मिल रहा आपका, तो उनके लिए तो चांदी है। अब ये कितने दिन रहेगा वो उनको बात को टरका के उनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, यूरोपीय कंट्री से रिलेटेड अगर आप कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई करने की सोच रहे हैं, कोई पैसा मांग रहा है तो भाई मत देना, काम नहीं होने वाला। क्योंकि आपको पता है जब कतर, गल्फ कंट्री है, अपन इनको अपन छोटी मानते हैं क्योंकि यहाँ तो लोग कम जाना चाहते हैं ना, 20-25 हज़ार की नौकरी मिलती है, ये इन्होंने वीज़ा ऑन अराइवल वगैरह सब बंद कर दिया, इंडिया ने बंद कर दिया, तो दूसरी कंट्रियों को तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो थोड़ा सा इस पे गौर कर लें, पैसा वैसा किसी को देना नहीं है। अगर आप अप्लाई कर रखें तो थोड़ा सा स्टॉप करिए, और जिनके वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं उनको सबसे बड़ा लॉस होगा भाई। और दुबई का थोड़ा बहुत कोई अभी चल रहा है, अभी बैन नहीं हुआ है, जिनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, जिनको जाना है वो तुरंत फ्लाइट करके दुबई पहुँच जाएँ, अपना जॉब लग जाएँ। ठीक है साथियों, यही बस इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर रोज नए टॉपिक पे सही जानकारी, मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहे। कानून की जानकारी पाने के लिए नीचे लिंक दे रहा हूँ, उसको सब्सक्राइब चैनल को करें। जय हिंद, वंदे मातरम।